पुराने समय से कायस्थ समाज समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सतत भागीदार रहा है। पुराने जमाने में भी, उसके बाद भी, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कायस्थ समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अफसरशाही के अंदर एक तरह से कायस्थ समाज का वर्चस्व है। मैक्सिमम अपने को ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स सीनियर मोस्ट लेवल पे आपको कायस्थ समाज से दिखाई देते हैं। तो देश को चलाने वाले कायस्थ समाज के लोग हैं।